नमस्कार किचन सेफ मास्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे चावल से बहुत ही सॉफ्ट नाश्ता। ये नाश्ता झटपट से बन जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है और इसके साथ एक चटनी भी बनाएंगे, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट बनाएंगे। तो चलिए इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 100 ग्राम चावल को भिगो कर रख दिया था और ये फूल कर तैयार हो गए हैं। 1 घंटे में ये फूल कर रेडी हो गए हैं। इसको जब हम चुटकी से मसलते हैं तो ये टूट जाते हैं, यानी कि अच्छी तरह से फूल गए हैं। इसको हम एक मिक्सिंग जार में ले लेंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 इंच का टुकड़ा अदरक, 1 सूखी लाल मिर्च और इसको हम बारीक पीस लेंगे। तो देखिए बारीक पीस गए, बहुत ही बारीक इसको पीसना है। इसको हम एक बॉल में ट्रांसफर कर लिए और एक प्लेट से ढककर छोड़ दिए। तब तक हम अपनी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने एक चबा गरम किया है। अब इसमें डाल देंगे 50 ग्राम मूंगफली, 2-3 कलियाँ लहसुन की डाल देंगे और थोड़ा सा नारियल डाल देंगे, सूखा नारियल है, 1 सूखी लाल मिर्च और इसको हम 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और इनको हम गैस से नीचे उतार कर एक प्लेट में ले लेंगे। और ये थोड़ी सी इमली है, इसको हम चटनी में यूज करेंगे। तो इनको हम गर्म पानी में डाल देते हैं, तब तक ये फूल जाएंगे। थोड़ा सा हमें इनसे खट्टा पानी चाहिए जो हमें चटनी में यूज करना है। और मूंगफली को हम छिलका को निकाल लिए हैं और इसको हम मिक्सिंग जार में लेकर बारीक पीस लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और 2 चम्मच पानी के साथ इसका हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लिए हैं। इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इमली से भी पानी निचोड़ लेंगे। इनको हम पानी को छान लेंगे और इसी चटनी में रख देंगे। एक कढ़ाई में हम 1 चम्मच रिफाइंड तेल दिए हैं, 1 पिंच हींग डाल दिए, 1/4 चम्मच राई डाल दिए, 4-5 टुकड़ा करी पत्ता है। इन सारी चीज़ों को हम भूनेंगे। 1 सूखी लाल मिर्च, इनको हम थोड़ा सा भूनकर 2-3 चम्मच इनसे हम एक प्लेट में ले लेंगे। इसको हम चटनी के ऊपर से गार्निशिंग करेंगे और इसमें अब हम चटनी को डाल देंगे जो हम मूंगफली से बनाए थे। इनको हम थोड़ा सा भूनकर निकाल लेंगे और ऊपर से ये जो रखे थे तड़का उसको हम सजा देंगे। ये देखने में भी सुंदर लगेंगे और खाने में भी सुंदर लगेंगे। तो चटनी हमारा रेडी हो गया है। अब हम बैटर देख लेते हैं। बैटर भी तब तक फूल कर रेडी हो गए हैं। इनमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, 1 पिंच मीठा सोडा डाल देंगे जिसको कि बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बैटर हमें ऐसा ही चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट बैटर है। यह ना ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अब हम इनसे बनाना शुरू करेंगे। एक पैन गरम कर लिए हैं हम और पैन में हम थोड़ा सा तेल या घी लगा देंगे। 1 चम्मच बैटर हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम इस वक्त आपको मीडियम रखना है, बहुत ही जालीदार नाश्ता बनेगा। तो देखिए इनमें जाली बनने शुरू हो गए हैं। अब इनमें बहुत सारे जाली आ गए हैं तो इनको हम बस 30 सेकंड के लिए ढक देंगे ताकि ये ऊपर से भी थोड़ा सा पक जाए। तो देखिए ये पक गए हैं, अब इनको हम पलट देंगे। अब इनको निकाल लेंगे, बहुत जल्दी बन जाते हैं। और इसी तरह से हम सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमें सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम एक नाश्ते को दिखाते हैं ये कितना सॉफ्ट बना है। सुबह हम भाग में
आप इसे झटपट से बना सकते हैं, सभी पसंद करेंगे, बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे। ये नाश्ते और ये चटनी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो आप लोग भी इस नाश्ते को बनाइए और खाइए। अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक।